स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। बोर्ड के लिहाज से हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसी नाम से ये क्वेश्चन होता है, कैलकुलेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करके आए हैं कि जब आपके पास एक कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा हो उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर पर फोर्स लगाती है। इसी चैप्टर के अंदर उसका एक फार्मूला आप लोग पीछे डिस्कस करके आए जिसको F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ एल्फा, और इस फोर्स की डायरेक्शन अगर आपने फाइंड करनी हो तो आपको याद होगा इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बात बताई गई है कि आप एक रूल होता है जिसको पाम रूल कहते हैं और उसको अगर हम रिवाइज कर लें तो पाम रूल ये होता है कि आप अपने राइट हैंड को इस तरह से प्लेस करें, ये जो थंब है ये आई यानी करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए और ये जो मिडल फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हो, तो इस पाम से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनेगी वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। और ये बातें आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, आप फिक्स है कि थंब ही आई की डायरेक्शन में होगा और मिडल फिंगर ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो पाम के परपेंडिकुलर बनेगा वो फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। अच्छा, आप इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहें कि अगर आपके पास फर्ज करें कि सिंगल कंडक्टर की बजाय एक पूरी कॉयल मौजूद हो जिसमें से करंट पास हो रहा हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए, तो यहाँ फोर्स कुछ इस तरह से अप्लाई होगी कि ये जो कॉयल है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करना शुरू कर देगी। जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स के रोटेशनल इफेक्ट को टॉर्क कहते हैं, तो इट मीन आज के हमारे टॉपिक का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब एक कॉयल जिसमें से करंट पास हो रहा हो उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस कॉयल पे टॉर्क लगाएगी और जो मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क की वजह से ये जो कॉयल है ये अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट यहाँ रोटेट करेगी। अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम को अगर आप वाजे तौर पर देख पा रहे हैं तो आपके पास ये जो नॉर्थ और साउथ इंडिकेशन दी जा रही है समझ लें ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉयल है जिसको ए बी सी डी इस कॉयल को हमने लेबल किया है और फर्क किया है कि इस कॉयल के अंदर हमारे पास ये डायरेक्शन ऑफ करंट यानी क्लॉक वाइज करंट चल रहा है। ये हमारी अजम्पशन है, आप क्लॉक वाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉक वाइज भी ले सकते हैं, उस हिसाब से कैलकुलेशन या फोर्स की डायरेक्शन पर थोड़ा सा फर्क आएगा। तो फर्क कर लें कि ये हमारे पास कॉयल है और हम इस कॉयल को इस तरह से डिस्कस करेंगे कि हम इस कॉयल की हर साइड यानी ए बी बी सी सी डी और डी ए इसकी चारों साइड को अलहदा अलहदा एक एक कंडक्टर के तौर पे डील करेंगे और हम हर साइड पे लगने वाली ये जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको सेपरेटली उसका जिक्र करेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टार्ट देते हैं इस साइड फोर्स ए बी पे, ये जो साइड ए बी है फॉर साइड ए बी। अगर हम इस साइड ए बी की बात करें तो हमारे पास ये जो फोर्स का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ एल्फा, तो आप इसको एफ वन कह लें और आपने देखना ये है कि यहाँ पे एल्फा की वैल्यू क्या है। अब एल्फा यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आप इस तरह से याद रखेंगे कि ये हमारे पास कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल होगा, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ ली जाए इस तरफ और डायरेक्शन ऑफ करंट असल में डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर मान लें तो ए बी और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल बनता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के लिहाज से हम कह सकते हैं आई एल बी साइन ऑफ 90 डिग्री, तो ये आंसर आएगा जी आई एल बी, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होगा, तो आपके पास एफ वन का आंसर आ गया आई एल बी जो कि साइड ए बी पे अप्लाई हो रही। अगर हम थोड़ी देर पहले जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था राइट हैंड रूल जिसे हम पाम रूल के नाम से भी जानते हैं, उस रूल के मुताबिक अगर मैं कहूँगी इस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो आपके सामने रूल अप्लाई करते हैं कि रूल क्या था कि हम इस तरह से राइट हैंड प्लेस करेंगे जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन, तो इस ए बी साइड को अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए डाउनवर्ड करंट की डायरेक्शन है, तो इट मीन थंब हम यहाँ पे करेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड जो कि नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ है तो मिडल फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और पाम के परपेंडिकुलर अगर हम बात करें तो ये आउट ऑफ द पेज आउट ऑफ द प्लेन यानी आउटवर्ड डायरेक्शन बनती है, और इसी चैप्टर में आपको सिखाया है कि अगर हम आउटवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डॉट कन्वेंशन यूज करेंगे। तो यू समझे बच्चों, ये जो डॉट मैंने लगाया ये एफ वन की डायरेक्शन बताने के लिए हमने शो किया है कि इस साइड ए बी पे जो फोर्स एफ वन लग रही है उसकी डायरेक्शन आउट ऑफ प्लेन है, आउटवर्ड डायरेक्शन।
अच्छा सिमिलरली अगर हम दूसरी वर्टिकल साइड की बात करें, यानी ये जो वर्टिकल साइड सी डी है, फॉर साइड सी डी, तो इस वर्टिकल साइड सी डी के लिए भी अगर हम फोर्स यही वाली अप्लाई करें और फार्मूला लगाएं एफ टू आई एल बी साइन ऑफ अल्फा, और जैसा कि हम जानते हैं कि यहां भी ये परपेंडिकुलर साइड है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यहां भी फोर्स का आंसर आई एल बी ही आएगा। और अगर हम बात करें पामरूल अप्लाई करने की, तो इस साइड सी डी पे जो पामरूल अप्लाई होगा तो उसकी डायरेक्शन अब इनवर्ड होगी, और ये हम क्रॉस सिंबल से इंडिकेट करके हम आपको ये शो करना चाह रहे हैं कि ये एफ टू की डायरेक्शन है। बाकी रहेगी ये दो साइड बी सी और डी ए, यानी हॉरिजॉन्टल साइड, इनके लिए अगर हम डायरेक्ट बात करते हैं फॉर साइड बी सी एंड डी ए, तो इन दोनों साइड के लिए यानी एफ थ्री और एफ फोर इन दोनों का आंसर जीरो होगा। और वजह आपके सामने है, क्योंकि ये वाली हॉरिजॉन्टल साइड है, अल्फा की वैल्यू जीरो या 180 कंसीडर की जाएगी, तो इस लिहाज से यहाँ फोर्स का आंसर जीरो आएगा। तो फाइनल डिसीजन ये है कि हमारी इस रेक्टेंगुलर कॉइल की सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल साइड पे मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट होगा, और जो हॉरिजॉन्टल साइड है उन पर कोई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगी। लेकिन अगर आप उनकी ये जो वर्टिकल साइड पे लगने वाली फोर्सेस की डायरेक्शन है, यानी इसमें अगर आउटवर्ड फोर्स लगे और इस साइड पे अगर डाउनवर्ड फोर्स लगे, तो ऑफ कोर्स इसका इफेक्ट क्या होगा? सपोज ये है, अगर इस पे आउटवर्ड इस पे इनवर्ड लगे, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि ये कॉइल यहाँ रोटेशन में चली जाएगी, और यही हमारे टॉपिक का बेसिक प्रिंसिपल है कि ये फोर्स इस तरह से लगेगी कि ये इस कॉइल को एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेशन देगी। अब बात को आगे बढ़ाते हुए हम फोर्स की बजाय अगर इसको टॉर्क की शक्ल में कंसिडर करें, तो अब हम ऐसे कहते हैं ना, इन दोनों फोर्सेस यानी F1 और F2 की वजह से जो टॉर्क बनता है, अगर हम उसकी बात करें, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स सॉरी टॉर्क ड्यू टू F1, अगर हम F1 की वजह से जो टॉर्क अप्लाई होगा उसके लिए थोड़ी सी कंसीडरेशन रखनी यूं ही है कि सपोज दैट अगर आप यूं कहें कि हमारे पास ये जो कॉइल है इसकी जो विड्थ है उसको अगर हम सपोज A मान लें, तो यहां से लेके यानी इस F1 फोर्स से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक ये जो डिस्टेंस बनेगा, इसके अगर हम टॉर्क की सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और आप जानते हैं आर वन मल्टीप्लाइड बाय एफ वन, यानी आप मोमेंट आर्म को फोर्स से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास यहाँ मोमेंट आर्म का मतलब ए बाय टू है, और एफ वन आप ऊपर फाइंड कर चुके हैं कि वो है आई एल बी। सिमिलरली अगर हम टॉर्क ड्यू टू एफ टू फाइंड करना चाहते हैं, टॉर्क ड्यू टू एफ टू, तो अगर हम F2 की वजह से भी टॉर्क फाइंड कर लें, तो हमारे पास टॉर्क 2 का आंसर आएगा A by 2 I L B। मतलब ये है कि जो जितनी वैल्यू मैग्नीट्यूड की इस तरफ अप्लाई हो रही है, उतनी ही मैग्नीट्यूड इस तरफ भी अप्लाई होगी, तो टॉर्क 2 का आंसर भी A by 2 I L B ही होगा। अब जाओ लास्ट स्टेज ये है कि हम इसको टोटल कर लेते हैं, तो टोटल टॉर्क जो होगा वो होगा टॉर 1 प्लस टॉर 2, तो टॉर इज इक्वल टू टॉर 1 है A by 2 आई एल बी और फिर ए बाई टू आई एल बी, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा आई एल ए बी। मतलब ये है कि आप इस तरह से कह सकते हैं कि आई एल बी हमने कॉमन ले लिया है और ए बाई टू प्लस ए बाई टू एड होके ए बन गया। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ये जो स्मॉल ए है ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल की चूंकि विड्थ है और एल चूंकि लेंथ है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एरिया बन जाएगा, आई बी और एल और ए को मल्टीप्लाई करें तो ये एरिया। अब आखिरी बात ये है कि अगर हम फर्ज कर लें कि हमारी ये जो कॉइल है उसकी एक टर्न की बजाय एन नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, अगर हमारी कॉइल के एन नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो हमारे इस टॉर्क का आंसर इस तरह से लिखा जाएगा एन आई ए बी। और बुक ने इसको क्लोज करने से पहले ये बात समझाई है कि ये जो हमारे पास एन आई ए बी है, ये उस केस में होगा कि जब हमारी कॉइल जो है, जो प्लेन ऑफ कॉइल है, वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अगर फर्ज करें कि हमारी कॉइल सर्टन एंगल पे रोटेशन में पहले से मौजूद है, यानी आप यूं कह सकते हैं कि हमारी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होने की बजाय थोड़ी सी रोटेशन, थोड़ी सी टर्न है, तो उस केस में हम फिर टॉर्क अप्लाई यूं करेंगे, व्हेन कॉइल हैज सम एंगल अल्फा विद मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे पास यही टॉर्क का आंसर यू लिखा जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी
कॉस ऑफ अल्फा। अब इसमें कॉस अल्फा फैक्टर कहां से है इसकी भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम यहां से देख लें। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड जो हम शो कर रहे थे नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारी क्वाइल है, और वो क्वाइल जो इस तरह से दिखाई जा रही है बच्चों, इस डायग्राम को आप इस तरह से जज करें कि ये हमारी क्वाइल का ना टॉप व्यू है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले डायग्राम में शो किया था हमारी क्वाइल रेक्टेंगुलर शेप में थी, लेकिन अगर उसको टॉप व्यू से देखा जाए तो आपको सिर्फ एक साइड दिखाई देगी और आप यूं समझ लें कि ये उस रेक्टेंगुलर पूरी रेक्टेंगुलर के नीचे, लेकिन ये उसकी सिर्फ आपको एक साइड दिखाई दे रही है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास हमारी क्वाइल का टॉप व्यू ऑफ क्वाइल है, और जैसा कि अभी हम कह रहे थे कि इस साइड पे जो फोर्स लग रही है वो आउटवर्ड है तो आप इसको F1 कह लें, और इस साइड पे फोर्स लग रही थी इनवर्ड और इसको हम नाम दे लें कि ये हमारे पास F2 है। फिर अभी हमने कहा है कि हमारी ये जो क्वाइल है इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल बन रहा है अल्फा, और अगर आपको याद है तो मैंने अभी कहा था कि ये जो हाफ ऑफ क्वाइल है ये ए बाय टू है। अगर हम इस ए बाय टू के कंपोनेंट बनाए तो एक कंपोनेंट इधर को बनेगा जिसको हम कह रहे हैं ए बाय टू कॉस अल्फा, यानी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक इसका कंपोनेंट इधर को बनेगा जिसको हम कहते हैं जी ए बाय टू साइन अल्फा। अब अगर आप डायग्राम को वाजे तौर पे देख पा रहे हैं तो आपके सामने है कि जो ए बाय टू कॉस साइन अल्फा वाला फैक्टर है वो फोर्स के पैरेलल है, और फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आप पढ़ के आए हैं कि जब फोर्स और मोमेंट आर्म पैरेलल हो तो टॉर्क जीरो होता है, इसलिए टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए a by 2 sin alpha हम यूज नहीं करेंगे बल्कि a by 2 cos alpha वाला फैक्टर यूज होगा। अब इनके साथ भी cos alpha आएगा और इसके साथ भी cos alpha आएगा, तो ऑफ कोर्स ऐड हो जाने के बाद हमारे फाइनल आंसर के साथ ये cos alpha भी आएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस टॉपिक की समरी ये बनी कि जब भी एक क्वाइल जिसमें से करंट पास होगा उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर टॉर्क लगाएगी, और उस टॉर्क को फाइंड करने का ये फाइनल आंसर है टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉस अल्फा, एन नंबर ऑफ टर्न्स को, आई अमाउंट ऑफ करंट ए, एरिया ऑफ क्वाइल बी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ क्वाइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स ऑल।